ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शिव महापुराण के उत्कृष्ट महिमा, चंचुला कैसे बनी पार्वती जी की सखी, पिशाच को कैसे मिला शिवपद, शिव पुराण के श्रवण की विधि और नियम, प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न और उनके उत्तर, भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन, महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना, शिवलिंग स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन, विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी इत्यादि के बारे में आपसे बताए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अब तक तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब आगे शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्यों लोकों पर विजय पाता है, स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि हैं, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल, द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उस काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई परेशानी या रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदनंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दत्वन करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें।
यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो, अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण करके उसके बाद ही स्नान कार्य संपन्न करे। मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या बंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले आए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जबाले उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। इस विधि का पालन न किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही इष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य क्षयाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही स्टा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए कर्मशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के, दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए कर्मशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यश्च मा मनुयश्च इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्चिमा मन्युश्च इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुनन्तु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर और सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को 1 ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे, फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए कर्मशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि 1 दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करे। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित स्वरूप में 1,00,000 गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए इस गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का
तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण अर्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रवण का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायं काल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 6 स्थानों में कर्मशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सो अहम का जप करें। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकारभूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से, एक एक के कर्म से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदि कर्म से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रपद की प्राप्ति करने वाला हो माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 1200000 गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1,00,000 गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाए। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद गृह त्याग कर सन्यास ले ले। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1,50,000 जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए।
मुमुच्छु, ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत द्विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1000 चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेदवेत्ता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह तथा याजन आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरछा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तिरसा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि का सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम्य, ये 3 प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौर नरक में पड़ता है।
अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का छठा भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों, दोष बस दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य, इनके द्वारा विधि पूर्वक अस्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाले अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन कुछ इस प्रकार है। ऋषियों ने कहा, प्रभो, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हैं, उन ब्रह्मचारियों के लिए समीधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समीधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में समीधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य हैं। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजो, जिन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्माओं में अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है, उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। अस्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः काल नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की।
वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक स्रष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ-शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि सात ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त सात वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चय मृत्यु का निवारण करते हैं। ये सात वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की पांच प्रकार की पद्धति बनाई गई। उन उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा तप करना और चौथा प्रकार है किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा दिन वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग या जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सपत्नी की ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे।
भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षडरस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन विशेष पूजन स्नान दान जप होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य कर्म का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें, जलाशय कुआं बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजो जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। देश काल पात्र और दान आदि का विचार कुछ इस प्रकार है। ऋषियों ने कहा समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले महर्षियों देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्र में देने वाले होते हैं। गोशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु सरयू और नर्मदा इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। यहां तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे के फल की प्राप्ति कही गई है।
कलयुग में एक चौथाई ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में भी एक चतुर्थांश कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषु नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषु से भी 10 गुना माना गया है, उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः विष की शांति के लिए उस समय स्नान दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्य प्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों को संघ का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति के ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र हैं। वह संपूर्ण फलों को और भोगों को देने में समर्थ हैं। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पात्र से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती हैं, इसलिए वह गायत्री कहलाती हैं। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों को त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए ज्ञान दान जप होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र हैं। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे उस वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान को पूरा पूरा फल प्राप्त होता है, ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान एक चौथाई फल देने वाला होता है। विप्रबरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष के से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्य धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है, उसका दान दाता को पुण्य फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ भूमि तिल सुवर्ण घी वस्त्र धान्य गुड़ चांदी नमक कोहड़ा और कन्या
यही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान यह लोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है। गुण का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षडरस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांडा के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वथा दरिद्र है इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से ज्ञान दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, बार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन कुछ इस प्रकार है। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजन का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चोड़ के द्वारा उसका संशोधन करे और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सुंदर संस्कार करे। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यक्ष अच्छी तरह प्रकट हुए हो तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे प्रज्ञा आसन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें।
गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का और शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। 16 उपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडो लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडो और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयं शंभु लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पुण्य फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुंडों के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1,000 प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजो तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में सतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या 1,000 दिनों में 100 या 1,000 बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का समन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का भी आधार है। समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक 1 वार की स्थिति मानी गई है जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन में युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि की देव कार्य में ग्राह होते हैं। वार आदि की भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है, पूर्जायते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है।
पुह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भलीभांति अनुष्ठान हुआ तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष और एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का कर्मशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को 1650 पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नौमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों को और फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग्य हो तो उस उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम तप जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का 1650 से पूजन करे। उस पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देवाराधन में
तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों को विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल और सूती वस्त्र देने से मनुष्य को कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे काली मिर्च वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग नष्ट होता है, मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दरिद्रय को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से भी दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन और दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को द्विपालों की वंदना, दिग्गजो नागो और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र पापहारी विष्णु और तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधना और धनवंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग दुमृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक लोहा तेल और उड़द आदि का त्रिकटु सोंठ पीपल और गोल मिर्च फल गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का और सुवर्ण मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम एक प्रस्थ सिर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम एक पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहने के चावल से तैयार किए हुए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि आरोग्य धर्म वेद का सम्यक ज्ञान उत्तम अनुष्ठान का फल यह लोक और परलोक में महान भोग अंत में सनातन योग मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उस काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे, तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप तप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है।
नाद बिंदु का, और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव हैं, संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप हैं, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधे का समावेश अथवा लय होता है, यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान पूर्व रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुयज्ञित आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत तत्वादि के कर्म से जो जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण छह भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पासों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृपितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर ले। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराए, फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करे। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकर लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह अकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया है। इस प्रकार अकार उकार मकार बिंदु नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के छह भेद हैं। इन छहों लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिव लोक के अनिवर्चनीय है वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों की सत्कार की महत्ता
कुछ इस प्रकार हैं। ऋषि बोले, प्रभो महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इसका विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव। इससे पार करने के लिए दूसरे नौ नाव है, इसलिए इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच न नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, प्रकीर्षण न नयेत, वह युष्मान मुच्छमम इति वा प्रणवः। अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के द्वारा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थार्थ नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थार्थ शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थार्थ नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस पांच अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें पांच अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें पांचों अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपने देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के ही हर्स्व और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने चाहिए। आकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ म इन तीन तत्वों से युक्त है, इसी को हर्ष प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है, और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हर्ष प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत और शब्द स्पर्श आदि, इनके पांच विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मागी अर्गी कहलाते हैं। तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्ति पुरुषों को हर्ष प्रणव का ही जप करना चाहिए, और निवृत्ति पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए।
वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पा लेता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मार्तिका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मनुष्यों के दधाविध संस्कार, मार्तिका न्यास तथा षट्सोधोनन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया जप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तप योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हैं, इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, ब्रह्मा इंद्रियों को जीतकर बस में किए रहता है और मन को भी बस में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तप योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों में रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते है। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के कर्म से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश दिया गया है, क्योंकि वह जप करते करते आपको सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है, इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्राण स्वरूप है, इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादो के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं, यह समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन 1 बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को बस में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 500000 जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है, उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है, उनकी बाई जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी है,
वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चार हाथों में मृग मुद्रा टंग तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्र जप करे। तत्पश्चात 5 सपत्नी का ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वरण करे। इनसे अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वरण करे और उसे साम सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सद्योजात इन 5ों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिमोहन उपलेपन उल्लेखन वृद्र उद्धरण और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके उस कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्यभ भाग्यांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 1101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वरण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे और आचार्य को साम सदा शिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सब के चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशान आदि कर्म से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा हुआ पुआ और आदि अर्पित करें। तदनंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर कर्मशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमालोक से ऊपर सुचिलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। सुचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं।
सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे भोग कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग से उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है। ऊपर नहीं, वहाँ से नीचे ही कर्ममय पासों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है, उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्मों का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर जो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं, जो एकमात्र शिव की ही उपासन में तत्पर है, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि, नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है, वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। अधिभौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं, वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं, काल चक्रेश्वर की सीमा तक। जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य शौच अहिंसा और दया ये चार पाद है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंह है, सम कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र है। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है, वे कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। वह क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दीन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उसी से ऊपर न दिन है न रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि की भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है। जो 5 भौतिक गंध आदि से परे है, उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनके ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित है। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक और वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश हैं, जहाँ 5 मंडलों 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिक प्रतिष्ठित हैं। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृतियों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है।
वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वाताराम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म और ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्मा स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वर आत्मा स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मारामत्व प्राप्त होता है और आत्मारामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीकेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वयं वैद्य शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं, वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामीप्य प्राप्त होता जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है, वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे, शक्ति वेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति स्वरूप समझकर, शक्तिलिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक है शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नी का शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य कुछ इस प्रकार है। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बुद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है, बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति बुद्धि महातत्व त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तंत्र मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है, देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान कराने वाला तथा कारण शरीर सुसुप्ता अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप, सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारम्बार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने बस में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको बस में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण तथा निष्प्रिय हैं। सर्वज्ञता तृप्ति अनादि बोध स्वतंत्रता अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व बस में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रिय है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म और कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मारा रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं बस में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान शिव का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी बस में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका बस में होना
श्रेष्ठ मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उसी समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्योजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, द्विजो, मैं लिंगों के कर्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्रों को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात हैं, उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठा लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखे जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करे। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निःसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथों से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है, इसलिए प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा के कर्म से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं।
पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृति लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृति लिंग, साठे नामक धान्य को प्राकृति लिंग समझना चाहिए और साली अगहनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग। अरिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः साधुओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधराकर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं, उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप से निवेदित करना चाहिए। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति तीन प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्यूषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ती आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्ति का आधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए, उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा समी पीपल, प्लास, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाए, वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर
रांधकर उसका सार ग्रहण करते हैं तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने ही भी अपने में आधे रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने बस में किया है, अतः इन्हें अपने बस में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूप शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है, अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सब के गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा की शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीवन मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है, अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को बस में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों को कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं, अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए जो शिव की पूजा में तत्पर हो। वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, ज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ ये क्रमशः क्रिया आदि के फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे, न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे, जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र से जप से अभिमंत्रित अन्न
और जल को सुख स्वरूप माना गया है अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षा प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षा को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। दोस्तों इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति और वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको हो सके और उसका लाभ उठा सके आप। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।